चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए हम मोल्स बाय वॉल्यूम कर देते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाता था। वॉल्यूम निकालने के लिए हम मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते थे। मास निकालने के लिए कितना मास डिपॉजिट होगा, मोल्स को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। समझ आ रही बात? तो एक ही तरीके से सब कुछ हो जाता था। दूसरा तरीका बच्चों जो स्कूल में भी यूज होगा, कई बार स्कूल में मैम इस मेथड से कराएंगी, जो भी स्कूल में आपको पढ़ा रहा होगा तो देख लो, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो है फैराडे का, वो ये बोलता है कि जो वेट डिपॉजिट होगा वो चार्ज पास्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज पास्ड के। ठीक है, सो वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to charge passed through solution। ठीक है, तो जितना हम चार्ज ज्यादा पास करेंगे तो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा, कम चार्ज पास करेंगे तो कम वेट डिपॉजिट होगा। ये बात बोल रहा है फर्स्ट लॉ। W वेट इज प्रोपोर्शनल टू IT। चार्ज क्या होता है? IT होता है, आपको पता ही है, I into T, ampere into time gives you charge। So first law says that W is weight deposited is directly proportional to IT। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है बच्चों, ZIT, proportionality constant लगा दिया फैराडे ने, ये फॉर्मूला दिया हमें, W is equal to ZIT। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? Where Z is electrochemical equivalent, वेरी इंपॉर्टेंट, एक और डेफिनेशन उसने जोड़ दी, जबरदस्ती हमारा काम बढ़ा दिया। Z is electrochemical equivalent, understood everyone? तो ये Z को उसने बोला कि यार ये electrochemical equivalent है। कैसे डिफाइन किया इसको, देखना ध्यान से बच्चों, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent को डिफाइन किया है कि 1 कूलम चार्ज से जितना वेट डिपॉजिट होता है उसको बोल दिया उसने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना वेट डिपॉजिट होता है उसको बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड? ठीक है, वेट डिपॉजिटेड ऑफ अ सब्सटेंस ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का। सर? यस भरत। Sir, how good is Pradeep's for board exam? How good? Is the book Pradeep for board exam? Yes. It's good. Good for board exam. But is it good for IIT JEE level also? Not exactly. Just mains, you can say mains. For mains, it's fine. Not advanced. All right, Bharat. Pradeep is basically for boards and you can add mains to it. ठीक है, okay. So electrochemical equivalent का ये definition है बच्चों, ठीक है? अब formula क्या बन गया हमारा? 1 कूलम charge से weight deposit होता है, उसको Z बोलते हैं। तो IT charge से कितना weight deposit हुआ, है ना? 10 कूलम से कितना होगा? 10 से multiply कर देंगे यार, सीधे unitary method चिपका दिया। फॉर्मूला बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे वाह क्या फॉर्मूला, W इज़ इक्वल टू ZIT, है ना? लेकिन इसके लिए फिर हमें Z का मतलब, Z कैसे आता है? Z आता है एटॉमिक वेट बाय NF, एटॉमिक वेट बाय NF। ठीक है, तो घूम फिर के वही फॉर्मूला बन गया फिर से जो हमने पहले देखा है, IT बाय NF। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें IT बाय NF क्या था? मोल्स था। समझ में आ रहा है?
मोल्स इनटू एटॉमिक वेट करेंगे तो भी वेट आएगा, मास आएगा। समय आ रहा है, एनी डाउट सर? आ रहा है। तो कैसे भी आप इसको यूज करो, या तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी यूज करो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में जेड आई टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वहां पे हमें एटॉमिक वेट बाय एनएफ ना, जेड को क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक वेट बाय एनएफ। समझ में आ रही बात बच्चों? कोई दिक्कत? ईशा कनन, एनी डाउट? चार लोग हो तुम लोग, पूछो डाउट कोई। देयर इज नो डाउट सर। वेरी गुड भरत। ऑलराइट ईशा, तो एटॉमिक वेट बाय एनएफ इनटू आईटी, तो एक कूलम से जितना डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक और डेफिनेशन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों? तो एक बार हम ये फॉर्मूला यूज करके भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। फाइंड वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ऑन पासिंग टू एम्पियर करंट फॉर 5 minutes through aqueous aluminium sulfate solution. करो जो एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, एटॉमिक वेट इज बेसिकली 27, डू इट।
हाँ जी बच्चों समय आ रहा है, कर दोगे सब लोग ये क्वेश्चंस, बोर्ड में भी आएंगे, स्कूल में भी आएंगे, हर जगह। सर इसमें एन क्या होगा बता, क्या होगा टाइम, किसके लिए चाहिए तेरे को, है ना ये सोच। एल्यूमिनियम बस, तो फिर क्या होगा, थ्री होगा, है ना। तो इतनी सी बात है प्रणय की, केटायन जाएगा, ठीक केटायन जाएगा, इलेक्ट्रॉन खाने, और केटायन कौन है, एयर प्लस थ्री, वही तो डिपॉजिट होगा वहां पे, ठीक है समझ में आ रही बात। बस ये सोचना है इतनी सी बात, हमें एल्युमिनियम सल्फेट से कोई मतलब नहीं है, आयन केटायन जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन खाने, ना उसके वेट से मतलब है पूरे, सिर्फ एल्युमिनियम के वेट से मतलब है हमें, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। वेट इज इक्वल टू जेड आई टी, ऐसा आप स्कूल के क्वेश्चन में लिख सकते हो मजे में। जेड आई टी क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन एन एफ, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। आई है दो, टाइम है 5 मिनट्स, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, क्लियर हो चो। यस सर, बहुत आसान से आसान सा पार्ट है ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से वेट डिपॉजिटेड हम ऐसे निकालेंगे, मैं एक दो क्वेश्चन और इसमें एनसीईआरटी से कराना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी बच्चों। हाँ एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं अभी आपको कराऊंगा कि एन निकालने के लिए आपको रेडॉक्स 11 का रेडॉक्स से बैलेंसिंग करनी पड़ सकती है, समझ आ रहा है। एन निकालने के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ सकता है, 11th के रेडॉक्स से बैलेंसिंग करनी पड़ सकती है, अंडरस्टूड। तो आपको वो भी आनी चाहिए, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हाउ मच चार्जेस पास्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, हाउ मच चार्जेस पास्ड, how much charge is required, जो भी है उसमें। एक पार्ट तो बहुत आसान है, 1 mole of aluminium to 1 mole of Al+3 to aluminium, मजे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखा आपने, कोई बड़ी बात नहीं इसमें बैलेंसिंग में, सीधे 3 फेराडे आ गया, समझ आ रहा है भरत कननीशा सबको, ठीक है। एक है 1 mole of MnO4- 2 Mn+2, उसके लिए आपको बच्चों थोड़ा सा 11th का रेडॉक्स बैलेंसिंग ध्यान होना चाहिए,
ट्राई करो एक बार, जिसको जिसको पता है कोई बात नहीं ना, मैं एक बार बता दूंगा, फिर इसमें एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, मैं बता देता हूँ कैसे आपको क्या क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं बैलेंसिंग के लिए करो। Five. Yes, obviously, ना डायरेक्टली भी याद होता है, हमने अच्छे से 11th में किया और रेडॉक्स तो, बट ये मैं इसलिए करा रहा हूँ जिनको नहीं याद है 11th का रेडॉक्स, उनके लिए करा रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो जो स्टेप्स क्या होते थे इसमें, कोई भी एक स्टेप पकड़ लो आप, मेरे को सबसे इजी जो स्टेप लग रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट, बैलेंस एटम्स अदर देन ओ एंड एच, बैलेंस Atoms other than O and H, सबसे पहले, ठीक है, O और H के अलावा, जैसे यहाँ पे Mn है, Mn already balance है, left side में भी एक Mn है, एक manganese है, right side में भी एक manganese है, already balance है, उसके बाद balance O using H2O, ठीक है करण, ध्यान से लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस ओ यूजिंग H2O, ठीक है, जैसे लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है भरत, और राइट साइड में चार H2O चिपका देंगे, लेफ्ट साइड में चार O है तो राइट साइड में चार H2O चिपका दिए, O बैलेंस हो गया। देन बैलेंस H यूजिंग H+, यूजिंग H+, ठीक है, राइट साइड में आठ H आ गए, 4 × 8, चार H2O मतलब 8H, और लेफ्ट साइड में 8H+ लगा दिए, समझ में आ रहा है बच्चों, स्टेप्स, चार स्टेप्स हैं इन टोटल, बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H, फिर बैलेंस O यूजिंग H2O, बैलेंस H यूजिंग H+, देन लास्ट में बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज बैलेंस करना है दोनों साइड, ठीक है बच्चों, चार्ज लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, -1 तो हो गया, MnO4 माइनस के सिर पे -1 चार्ज रखा हुआ है, 8H+, 8 के टाइम्स रखे हुए हैं, 8H+ रखे हुए हैं, तो +8, समझ में आ रहा है सबको, राइट लेफ्ट साइड में +7 है चार्ज, राइट साइड में +2 चार्ज है, यहाँ पे दो जगह चार्ज था, यहाँ पे सिर्फ एक जगह +2 Mn पे, समझ आ रही कहानी, ठीक, +7 +2 चार्ज बैलेंस करने के हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि +7 और -5 इलेक्ट्रॉन्स का -5, समझ आ गया करण, चार्ज बैलेंस हो गया, 2-2 हो गया दोनों साइड, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब 5 फेराडे, ठीक है, 1 मोल MnO4 माइनस के लिए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 फेराडे आंसर आ गया। अभी बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो इस स्टेप्स में, जो कोई दिक्कत मतलब नहीं है, समझ लूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चार स्टेप्स फॉलो करने हैं 11th क्लास की रेडॉक्स बैलेंसिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। थर्ड पार्ट, थर्ड को क्वेश्चन आपको जो करना है आप करो, निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल ऑफ Cr2-2 करो। Balancing
using again all these steps. Six. It's right back. Right, Pranay. सर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी उससे भी निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. मेथड कोई भी लगाओ सही से लगाना है बस. भरत कह रहे हैं रेडॉक्स याद है 11th का बैलेंस एटम्स अदर देन ओ एंड एच. तो क्रोमियम लेफ्ट में दो है राइट में दो सी आर प्लस सी लगा दिए. फिर बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग एच टू राइट में 7H2 लगाए. बैलेंस एच यूजिंग एच प्लस लेफ्ट में 14H+ लगाए क्योंकि 7 × 2 = 14H हो गए थे. कोई दिक्कत किसी को किसी स्टेप में? ठीक है ईशा. चार्ज लेफ्ट साइड में आया -2 + 14 यानी कि +12 और राइट साइड में आया दो क्रोमियम आयन है 2 Cr + 3 यानी कि +6. 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में हमने लगा दिए ताकि +12 और -6 करके 6 हो जाए बराबर हो जाए चार्ज. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते थे इसको. क्या बोलते थे इसको? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ऑल राइट जो समझ में आने बाद चलो लास्ट पार्ट करो एक. ठीक है अब ये बताना तू मेरे को प्रणय. 1 mole FeO2 Fe2O3 करो सब लोग. 1 mole FeO2 Fe2O3 2 कैसे निकाला तुमने प्रणय? सर सबसे पहले FeO को 2FeO किया सर. H2O LHS में डाला 2H+ RHS में. बिल्कुल बढ़िया. 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें तू रेडॉक्स वाले मेथड इस पे आ गया. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आए तेरे. लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए आए? 2 FeO के लिए आए ना. अच्छा ठीक है. यस हां तो एक के लिए कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा. समझ आ गई मेरी बात? यस. हां तो अपना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला लगा तो उससे भी पता +2 से +3. सुना ये सर आगे सर. सही बात है बिल्कुल. अपन इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं. पहले एटम्स अदर देन ओ एंड एच तो 2 से मल्टीप्लाई करके आयरन बैलेंस हो गया. ठीक है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करने से आयरन बैलेंस Fe बैलेंस. लेफ्ट में 2 O है राइट में 3 O है तो 1 H2 लगा दिया राइट लेफ्ट साइड में ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए. H को बैलेंस करने के लिए राइट में 2H+ लगा दिए क्योंकि लेफ्ट में 2H आ रहे हैं.
चार्ज बैलेंस करने के लिए राइट साइड में दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस टू चार्ज था और माइनस टू करके बैलेंस कर दिया, लेफ्ट में कोई चार्ज ही नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, हिसाब किताब बन रहा है दो FeO के लिए दो इलेक्ट्रॉन, एक मोल FeO के लिए एक इलेक्ट्रॉन या वन फेराडे। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसे मजे में करते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग खुला रखना है, कितने मोल क्या पूछा है सीधे आंसर करना है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन और करो एनसीईआरटी का ही। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो टू डिपॉजिट 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर एट हाउ लॉन्ग डिड दी 1.5 एम्पीयर करंट फ्लो टू डिपॉजिट 1.45 ग्राम सिल्वर एट कैथोड। करो, मास नंबर ऑफ सिल्वर होता है 108। अराउंड 14 मिनट्स। ठीक है, सब लोगों को समझ आ रहा है जो कैसे करना है इस चैप्टर में क्वेश्चंस? कनन, एनी डाउट बोल दे अभी, बाद में बता बता, कोई डाउट कहीं पे भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं करना? हाँ सर हो रहे, पर अभी मैं पहले वो ऑर्गेनिक वाला कर रही थी। W is equal to ZIT से भी कर सकते हो, moles is equal to IT by NF से कर दो, किसी से भी कर दो यार। Z क्या होता है? Atomic weight by NF, silver की valency 196500, IT यहाँ पे T seconds में आएगा, फिर उसको आप convert कर देना, minutes minutes में करना होगा तो। है ना, तो मेंस में करेंगे तो तेजी में आप ये देख रहे हो 1.45 अपॉन 1.5 का फैक्टर कुछ खास बचेगा नहीं, मेंस में जब करोगे तो तेजी में इस चीज को। एन एफ में हाँ, एन कितना क्या
सिल्वर की तो वैलेंसी वन होती है ना, अच्छा ओके है ना, सिल्वर की वैलेंसी वन यार, सिल्वर नाइट्रेट था वैसे, लेकिन सिल्वर की वैलेंसी वन ही होगी जो भी दिया हो। मेरा आंसर फिर इनटू टू हो जाएगा। टू लेनी वैलेंसी क्या नहीं, टू कहाँ से आता है दिमाग में, टू अच्छा कोई ना ठीक है बच्चों, यहाँ से आएगा सेकंड्स में आंसर, अंडरस्टूड। ओके आगे बढ़ते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि भाई ना सिंपल सी बात ये बोलता है कि जब हम सेम चार्ज कर पास कराते हैं है ना, तो जब इस तरह से भी लिखा होता है उसका स्टेटमेंट कि जब सॉल्यूशंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना, सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता है सेम चार्ज पास होता है, सीरीज में जब चीज कनेक्टेड होती है उसमें सेम चार्ज फ्लो करता है ना, तो वो फिजिक्स का थोड़ा सा यूज करते हैं यहाँ पे कि व्हेन करंट इज पास थ्रू टू और थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, समझ में आ रहा है सबको, ऑलराइट, तो उसका मतलब सेम चार्ज पास करा रहे हैं, तो बेसिकली सेम चार्ज पास कराने से बच्चों जो वेट डिपॉजिट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बोलता है सेकेंड लॉ, ठीक, ऑन पासिंग सेम चार्ज through solutions connected in series, एक ही बात है connected in series लिख दिया तो भी उसका मतलब pass same charge pass कराना ही होता है, मैंने दोनों चीज लिख दी आपके लिए, ठीक है, on passing same charge through solution connected in series weight deposited at electrodes is proportional to the equivalent weight of the substance, equivalent weight के proportional होती है, all right बच्चों, या फिर W weight is directly proportional to equivalent weight, वो भी आप same formula से देख सकते हो, atomic weight by NF था ना formula, तो atomic weight by N क्या बन जाता है, equivalent weight बन जाता है, समझ आ रहा है बच्चों सबको, IT same charge हो गया, F तो constant है ही, तो वेट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट आ रहा है, एटॉमिक वेट बाय एनएफ क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, समझ में आ रही बात, सो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, या फिर क्वेश्चंस में ठीक है प्रणय हम ये भी लगा सकते हैं W1 by E1 equal to W2 by E2, एक इलेक्ट्रोड पे जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो बेसिकली फंडा क्या है ना कि इक्वल इक्विवेलेंट्स रिलीज होते हैं है ना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या आता है, बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आता है ना, तो एक इलेक्ट्रोड पे जितने इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं उतने ही दूसरे इक्विवेलेंट पे बन रहे हैं, उतने ही दूसरे इलेक्ट्रोड पे बन रहे हैं, तो एक का वेट आपको दे रखा होगा उसका इक्विवेलेंट वेट रख दोगे आप, दूसरे का वेट निकालना होगा उसका इक्विवेलेंट वेट रख दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, एक का वेट अगर इतना डिपॉजिट हुआ है तो दूसरे का कितना वेट डिपॉजिट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देंगे, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, चलो इसका क्वेश्चन वहीं से उठा लेते हैं अपने, मेंस में भी है इसका क्वेश्चन,
सर इस भरत कैन यू प्लीज शो शेयर द नोट्स आई वाज राइटिंग फैराडे सेकंड लॉ ओके जस्ट अ सेकंड एक सेकंड यू आर राइटिंग फैराडे सेकंड लॉ ओके कैन यू सी इट लिखिए भरत एक बार 15th क्वेश्चन करो एक बार
मुझे आ गया इसका आंसर। यस सर ऑलमोस्ट। ओके करो। एट ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, है ना? जितने इक्विवेलेंट सिल्वर के होंगे उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे? ओ टू के होंगे, ऑक्सीजन के। डब्ल्यू वन बाई ई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई ए टू से भी कर सकते हो, हालांकि वॉल्यूम निकालना है हमें, बट वेट आके वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले तो कि n n सिल्वर के लिए है 1, O2 के लिए n कितना आता है 4, O2 के लिए n कितना आता है 4, बहुत बार कर चुके हम ये चीज। ठीक है, n फैक्टर O2 के लिए 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 ऑक्सीजन आता है 32/4 यानी कि 8 ग्राम, और सिल्वर के लिए आता है इक्विवेलेंट वेट का मतलब समझते हो सब, वेट बाय एन फैक्टर, ऊपर लिखा हुआ भी एटॉमिक वेट बाय एन। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? एटॉमिक वेट बाय एन, दिस इज इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? जो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 108 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस W1 by E1 equal to W2 by E2 चिपका देंगे। ठीक है प्रणय, प्रणय हालांकि डायरेक्ट इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे, बट ठीक है ऐसे कर लेते हैं जो समझ में आया सबको, है ना? तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो वेट ऑफ ऑक्सीजन जो रिलीज होगा वो 8 ग्राम आएगा। क्या करेंगे इसका मोल्स, वॉल्यूम निकालने के लिए मोल्स ऑफ O2 आ गए। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे हम 1/4। कैसे निकालते बच्चों? कि एक इक्विवेलेंट आ रहा है सिल्वर का, कितना इक्विवेलेंट आ रहा है 1, ऑक्सीजन का भी 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा 1/4 मोल्स, क्योंकि n फैक्टर ऑक्सीजन का कितना है 4 है ना। मैंने समझाने के लिए ऐसे किया है, आप लोगों को डायरेक्टली भी कर सकते थे, एक इक्विवेलेंट सिल्वर उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, प्रणय समझ आ रहा है? और एक इक्विवेलेंट मतलब 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा, है ना? 1/4 इंटू 22.4 कर देंगे तो 5.6 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, और क्वेश्चन करो एक। If 3 gram of aluminium is deposited, then find weight of magnesium deposited by passing same current, the same charge, atomic number दे रखे हैं आपको, 27 एल्यूमिनियम का, 24 मैग्नीशियम का। करो जो वैलेंसी आपको पता है इसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी पता है आपको?
हेलो। अच्छा हो गया, आंसर आ गया सबका। इक्विवेलेंट वेट निकालो सब लोग। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, वैलेंसी एटम्स के लिए तो वैलेंसी हो जाता है सीधे, एल्यूमिनियम के लिए 3, ये आ गया एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक वेट बाय एन फिर बच्चों समझ आ रहा है सबको। सबसे पहले काम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, फिर चिपका दो W1 बाय E1 टू W2 बाय E2, क्या दिक्कत है? ठीक है भरत, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई स्कूल में भी हर जगह, सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड। W1 एल्यूमिनियम का वेट दे रखा है 3 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट है उसका 9 ग्राम, इक्वल टू वेट निकालना है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट है 12, काम खत्म, सो इजी, 4 ग्राम आंसर आ गया। क्लियर है सबको स्टेप्स बच्चों? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन करें इस पे। चलो सर वेट ही निकाल दो, करो कितना आ रहा है? अच्छा 24 kg। यस सर, शायद 24 आ रहा है। ओके ठीक है, सही लग रहा है भरत, वेरी गुड। बाकी लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं करना यार, इक्विवेलेंट वेट निकाल लो अभी, दोनों के निकाल लो। एक का 9 ग्राम, एक का 8 ग्राम, ठीक है। सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट वेट निकाल। ऑलराइट,
तो वैलेंसी से है ना, टोटल वेट्स को वैलेंसी से डिवाइड कर देना, खत्म बात। क्लियर है भरत? एनी डाउट? अब क्या करना है? डब्ल्यू वन बाई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई टू, आर सिंपल। ठीक है ईशा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है स्कूल में आएंगे तो। ऑलराइट, ये 8 किलो आ गया, तो भरत तूने क्या किया बता, गलती? भरत क्या किया तूने बता? Yes. ओ भरत बोलो, प्रणय प्रणय क्या गड़बड़ की तूने? सर थ्री की जगह एक जगह 9 लिख दिया, 9 की जगह 3। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, गलती समझ आ गई ना? कुछ आसान सा क्वेश्चन है तो, है ना, लेट कीजिए आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक का वेट गिवन होगा, दूसरे का निकालना होगा। ठीक है बच्चों, दिस इज दोनों फैराडेज लॉज हो गए हमारे। एक थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, रोल ऑफ इलेक्ट्रोड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछेंगे, स्कूल में तो कम ही चांसेस इसको पूछने के। तो अभी तक जो हम कर रहे थे बच्चों वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ था। क्या था? इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। अगर हम इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं ना तो भी कुछ अलग हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में। ओके, क्या अलग हो जाता है देखना ध्यान से। मान लिया मैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा था, पहले भी हमने किया है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ था। किसके साथ था? इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। लेकिन अगर मैं कॉपर रॉड यूज कर दूं तो देखना बच्चों क्या होगा, है ना। कैथोड पे कोई भी इलेक्ट्रोड यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना मेरी बात। कैथोड पे होना है रिडक्शन, रिडक्शन तो सॉल्यूशन में जो पड़ा हुआ है कॉपर आयन उसी का होगा। ठीक, कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया, कैटायन एक ही है वहां पे, कॉपर आयन उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन जब हम एनोड पे देखते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होना है, तो बच्चों अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे, इनर्ट प्लेटिनम ले रहे थे, कार्बन ले रहे थे, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम कार्बन ऐसी इलेक्ट्रोड्स होती है इनर्ट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, उस केस में ऑक्सीडाइज कौन हो रहा था? हमने देखा था OH आयन ऑक्सीडाइज हो रहा था, डाइल्यूट CH4, याद है सबको, OH आयन ऑक्सीडाइज हो रहा था। लेकिन जब अगर मैंने कॉपर रॉड यूज की तो बच्चों कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होने से ज्यादा टेंडेंसी है कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की, बताओ समझ में आ रही बात? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहां से कॉपर जा रहा है कॉपर आयन में, यहां से कॉपर जा रहा है कॉपर आयन में, और कॉपर आयन यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, यहां से कॉपर आयन बन रहा है, यहीं से डिपॉजिट हो रहा है। तो कुछ चेंज ही नहीं आता नीचे कंसेंट्रेशन में, नीचे कंसेंट्रेशन में नो चेंज। उधर से कॉपर से कॉपर आयन आया और यहां पे कॉपर आयन उधर चला गया, बताओ जो समझ में आया सबको ये? ठीक, ऑन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, प्रणय एनी डाउट? भरत The concentration of copper ion remains unchanged. In solution remains unchanged.
रीजन आपके सामने है, कॉपर आयन ही जा रहा है, कॉपर आयन ही प्रोड्यूस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन पे। क्लियर है बच्चों? ठीक। इसका यूज करेंगे हम मेटलर्जी में, रिफाइनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। मेटलर्जी आप समझती हो, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे वहां पे, प्योरिफिकेशन करेंगे वहां पे कॉपर का, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना उस प्रोसेस को। मेटलर्जी को भी यहीं से समझ लेंगे हम उस प्रोसेस को। मोटी रॉड इम्प्योर कॉपर की मोटी रॉड को हम बना देते हैं एनोड। और पतली स्ट्रिप ऑफ कॉपर को बना देते हैं प्योर कॉपर की, उसको बना देते हैं कैथोड। अब क्या होता है बच्चों, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यहां से निकल निकल के कॉपर आयन नीचे जाएगा, इंप्योरिटी यहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, प्रणय समझ आ रहा है? कॉपर जाता जाएगा और यहां से कॉपर आयन जाके यहां पे डिपॉजिट होगा, प्योर कॉपर यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। बताओ जो कहानी समझ आ रही सबको? इस तरह से मेटलर्जी में रिफाइनिंग करते हैं हम, प्योरिफिकेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आएगा हर जगह, बहुत कॉमन सी चीज है। इम्प्योर कॉपर का एनोड बना दिया, ठीक है प्रणय? तो वो कॉपर तेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इम्प्योरिटी वहीं पड़ी रहेगी और यही कॉपर आयन जाके डिपॉजिट हो रहा है। हमें प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता हुआ मिलता रहा है। धीरे धीरे हमारी मोटी वाली रॉड पतली होती जाएगी, कॉपर जाता जाएगा वहां से और जाके राइट साइड में डिपॉजिट होता जाएगा। इस तरह से हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। समझ में आया बच्चों? प्योर कॉपर इस तरह से डिपॉजिट होता जाता है। समझ में आया सबको? रोल ऑफ इलेक्ट्रोड का क्या रोल है बताओ? एनी डाउट? तो ध्यान रखना है आपको, है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे गूगली क्वेश्चंस ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे आपको, जहां पे आपको इलेक्ट्रोड बता देंगे कि यार ये मेटल वाला इलेक्ट्रोड हमने यूज कर लिया, एनोड पे हमने मेटल वाला यूज कर लिया, उस केस में आपको ध्यान देना है। ठीक है प्रणय, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन अनचेंज रही और हमारा ये तरीका यूज हो जाता है मेटलर्जी में भी। वहां पर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में भी ये चीज, और नीचे जो इंप्यूरिटीज पड़ी रह जाती है उसको एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड, क्योंकि वो एनोड के नीचे पड़ी रह जाएगी, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? एनोड मड। ये सब टर्म्स आपकी मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी आ जाएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम कंटिन्यू। ये वाला पार्ट भी आपका खत्म है, एक चीज और बची है जिसमें, है ना? फिर हमारा लास्ट वाला पार्ट बचेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो, बहुत आसान से हैं। फैराडेज लॉ पे आज जो बट बताया, W1/E1=W2/E2 वो भी आता है, weight=ZIT वो भी क्वेश्चन आपके आते हैं स्कूल में भी, बोर्ड में भी, मेन्स में भी, हर जगह। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हमने क्या किया था? गैल्वेनिक सेल, वो भी आपको पता है, नर्स्ड इक्वेशन कैसे लगाते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, बहुत जरूरी है इस चैप्टर में स्पेशली क्वेश्चंस की, करो और पूछो। ओके, बाय एवरीवन।